दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक इकरार यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट का स्टेटमेंट आप अकाउंट स्टेटमेंट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, 6 महीना 3 महीना और 1 महीना का कैसे आप डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो टेक इकरार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है और अपने अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए ई पासबुक डाउनलोड करने के लिए आपको अपना जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग आप यूज करते हैं तो आपको अपना जो भी एम पिन है एम पिन आप एंटर करके आपको अपना जो मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे आप यहां पर लॉगिन करेंगे तो आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग आपको यहां पर लॉगिन हो जाएगा और आपको अपना जो भी स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर देख सकते हैं कि आपको मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। मिनी स्टेटमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर देख सकते हैं कि आपके जो डिटेल है आपको यहां पर जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया है यहां पर आपको देखने को कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पर देख सकते हैं कि आपको नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पासबुक का, तो आपको पासबुक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पासबुक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लास्ट 30 दिन का और यहाँ पर लास्ट 60 दिन का और यहाँ पर लास्ट 90 दिन का और यहाँ पर कस्टमाइज डेट यानी 6 महीना का आप यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 6 महीना जो भी है कस्टमाइज डेट चाहते हैं, जैसे कि आप 30 दिन का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर 60 दिन का करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 90 दिन का और उससे ज़्यादा का आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमाइज डेट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो भी डेट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त चल रहा है और यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर ऐसे स्लाइड करते जाना होगा जिस मंथ से जिस मंथ तक आपको डाउनलोड करना है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर 1 फरवरी 2023 से यहाँ पर डाउनलोड करेंगे और नीचे आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 1 अगस्त तक, तो यहाँ पर हमने टिक कर लिया और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा व्यू पासबुक का और यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर व्यू पासबुक पर क्लिक करेंगे, जितना हमने 6 महीने में ट्रांजेक्शन किया है यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी है ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर देख सकते हैं गेट मोर डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे पर आपको यहाँ पर नीचे इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं, तो यहाँ से आप बैक जाएंगे और बैक जाएंगे फिर दोबारा से आप चाहते हैं अपना जो डाउनलोड करने का तो आपको यहाँ से फिर दोबारा आपको यहाँ से बैक जाना होगा और यहाँ पर बैक जाएंगे आपको अपना जो भी है आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर जो करंट डेट चल रहा है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिला है, डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं PDF का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं XML फाइल का। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको PDF पर फर्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक मैसेज शो हो जाएगा, देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सक्सेसफुली आपका जो भी स्टेटमेंट अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड एंड सक्सेसफुली चेक योर डाउनलोड फोल्डर। तो दोस्तों आपका जो भी डाउनलोड फोल्डर आपके जो मोबाइल का होता है वहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट जो है यहाँ पर चला गया है, ओके पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको बैक जाना होगा। आपके जो भी मोबाइल का डाउनलोडर है डाउनलोड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आएंगे अपने फाइल में और यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर जो भी डाउनलोडर आपका है डाउनलोडर पर आपको क्लिक करना होगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो मोबाइल का डाउनलोडर यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट में जो भी आपने डाउनलोड किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बताया जाता है आपको फर्स्ट में आपका जो डेट है 1 फरवरी और 1 अगस्त तक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका स्टेटमेंट जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है।
पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जितना आपने ट्रांजेक्शन किया है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कितने अमाउंट आपके जो विड्रॉल हुए हैं, विड्रॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस लाइन में, और यहाँ पर जो डिपॉजिट हुए हैं डिपॉजिट इस लाइन में देखने को मिलेगा, और जो भी बैलेंस आपको यहाँ पर है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस लाइन में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जितना ट्रांजेक्शन आपने किया है पूरी डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कि किस डेट में किस कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, और जो ट्रांजेक्शन आईडी होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और फर्स्ट में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भी अकाउंट में नेम है, अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो भी आपका आईएफएससी कोड और यहाँ पर एमआरसी कोड और किस टाइप का जो आपका जो अकाउंट है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, एक महीना दो महीना, और यहाँ पर चाहते हैं अपने हिसाब से जो कस्टमाइज डेट करके छः महीने का, तो इसी प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और टेक ग्राड यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ठीक है, बाय, थैंक यू।